भाइयों सलाम, वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। मोस्ट अवेटेड वीडियो, आईपीएल कप विनर। जी हाँ, अभी भी आईपीएल कोई नहीं जीता, इसलिए कहता हूँ आईपीएल स्टार्ट में अगर आपने सट्टाई खेलना है कप के ऊपर, कप विनर के ऊपर, हमेशा अपनी वीडियोस में बोला, अगर आईपीएल स्टार्ट में या किसी भी टूर्नामेंट के स्टार्ट में आपने कप विनर खेलना है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हो सकता है आपको आपकी फेवरेट टीम का भाव, बहुत अच्छा भाव मिल जाए, ऊपर में मिल जाए, तब आप उस पर बेट कर सकते हैं। हमेशा मैंने आप लोगों को ये बोला हुआ है, आधे टूर्नामेंट में पहुंच के बेट करते हैं अगर करनी हो तो। या अपनी टीम अगर बाहर निकल रही है, 30 रुपये 20 रुपये के ऊपर निकल गई है, तब बेट करनी चाहिए। छोटे छोटे भाव में आप कप लगाएंगे, 10 टीमें हैं, कप आपने एक लगाया हुआ है, बुकी के पास 9 चांसेज हैं, आपके पास एक चांस है। जिस दिन फंटर ये बात समझ जाएगा, फंटर प्लस में आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन फंटर के पास बराबर के चांस होंगे कि 5 बुकी के पास चांस है तो 5 ही आपके पास है, तब मज़ा आएगा खेल का। अगर 9 बुकी के पास है, 1 चांस आपके पास है, तो आपकी कहानी ख़त्म है। आपसे रुझड़ने दुनिया पे आए हुए, अपना पैसा ख़त्म करने आए हुए, जलाने आए हुए। आज हम बात करने जा रहे हैं कलकत्ता नाइट राइडर के कप के ऊपर, राजस्थान रॉयल के कप के ऊपर और RCB के कप के ऊपर। जी हाँ, पहले हम बात करेंगे कलकत्ता नाइट राइडर के कप के ऊपर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर की धूम, कलकत्ता की शुरुआत में जो जीते, उसके बाद कलकत्ता का डाउनफॉल क्यों हुआ। कलकत्ता का डाउनफॉल की मेन वजह जो मुझे नज़र आती है, वो सिर्फ एक नज़र आती है, कलकत्ता के डाउनफॉल की मेन वजह मार्केट लोड। जी हाँ, कलकत्ता के कप्तान के ऊपर कुछ ऐसी चमक का होना, दूसरी चीज़ टीम का आते ही मैच जीतना, इतना को लोगों को कप के अंदर कलकत्ता पसंद आ गया था कि अंधाधुंध कप लगना शुरू हो गया था कलकत्ता नाइट राइडर। कलकत्ता नाइट राइडर का हाल जो अभी है वो काफ़ी कुछ बयान करता है। दूसरी चीज़ ये कि कलकत्ता नाइट राइडर ने चेंजेस करता रहा पूरे टूर्नामेंट के अंदर। याद रखें, ऐसी टीमें जो कि अपना बैलेंस ही नहीं ढूंढ पाती हैं, वो ज़्यादा आगे भी नहीं जा पाती, वो ज़्यादा कभी भी आगे नहीं जा पाती जो अपना बैलेंस कम। इंडिया की टीम को अगर आप देखें तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी जाती थी कि शेन वॉन खेल रहा है, माइकल बेवन, रिकी पॉइंटिंग, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, ये बनी हुई थी एक टीम, मैगरा, ब्रेटली, ये एक टीम थी। इसके अंदर घुसना, कई अच्छे प्लेयर हमें कभी क्रिकेट की स्क्रीन पर भी नहीं नज़र आ सके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। क्यों, इंडिया की तरफ से अब ये हाल है, इतनी प्रोडक्शन है क्रिकेट की कि इतने इतने ग्रेट प्लेयर हमें कभी नज़र भी नहीं आए, हमें उनके नाम भी नहीं पता, मौका ही नहीं मिलता। धोनी की कप्तानी में मौका ही नहीं मिला, सुरेश रैना अपनी जगह पक्की करके बैठे हुए थे, हर किसी की अपनी अपनी जगह थी। तो टीम वही ज़्यादा जीतती है जो कि अपने प्लेयर्स पे इतमाद रखती है और उनको साथ लेके चलती है। कलकत्ता नाइट राइडर का बिगेस्ट फॉल अगर कोई आपको बताएगा तो वो यही है। कहीं ना कहीं पिछले साल मॉर्गन की कप्तानी के अंदर मॉर्गन अच्छा नहीं खेले, उनको कप्तानी से फारिग कर देना चाहिए था और कर भी दिया गया, लेकिन कलकत्ता फाइनल खेला। क्यों फाइनल खेला, क्योंकि दुनिया को मैं जा के बोल रहा हूँ, आप सबको भी पता है, वीडियोस भी पड़ी हुई हैं कि BCCI प्रेसिडेंट सौरव गंगुली है, इसकी टीम अंदर घुसनी है, लेकिन इस साल वो कंडीशन नहीं है। अब लोगों को पता है कलकत्ता इसलिए फिलहाल कब से बाहर है, और ये भी नहीं, IPL से पहले की वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे, मेरी YouTube के ऊपर ही पड़ी है, लाजमी देख लीजिएगा, उसके अंदर कलकत्ता को बताया था आपको मैंने कि क्या क्या खामी और क्यों कलकत्ता बाहर। तो यहाँ पर कलकत्ता फिलहाल हमें बिल्कुल अनसर्टन भाव में नज़र आ रही है, और ऐसे भाव में है, 300 रुपये के भाव में, 250 रुपये के भाव में इस वक्त हमें कलकत्ता नज़र आ रही है, 1000 के साथ 2.5 लाख रुपया कलकत्ता नाइट राइडर। अगली टीम की तरफ चलते हैं, राजस्थान रॉयल इस IPL में अगर मैं कहूँ सबसे हॉट केक टीम रही है तो राजस्थान रॉयल रही है। उसकी वजह यह है कि राजस्थान रॉयल की जो मैंने सपोर्ट, फैन सपोर्ट देखी है CSS के बाद, हालांकि चेन्नई इतने मैच हारता है लेकिन चेन्नई की एक काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है, लेकिन जो हंटर की तरफ से सपोर्ट मैंने राजस्थान रॉयल की इस दफ़ा देखी है वो काबिल तारीफ है। काफ़ी लोग बड़े पॉजिटिव हैं कि राजस्थान रॉयल इस साल कप जीत जाएगा। उसकी मेन वजह अगर उनसे पूछी जाए तो क्या है, वो कहते हैं भाई शेन वॉन को ट्रिब्यूट देना। तो ये उनकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, शेन वॉन की तस्वीर स्टेडियम में लटकना, शेन वॉन का जाना, हर चीज़ है, लेकिन क्रिकेट ऐसे नहीं चलती। क्रिकेट टोटली फंटर के लिए
हराने के लिए और फंटर को जिताने के लिए कब जिताना है। दो मैच में फंटर को पैसा दिया या चार मैच में दिया, एक ही मैच में सूट समेत वापस ले लिया। पिछले कुछ दिनों से कुछ मैचेज ऐसे हो रहे हैं जो कि फंटर की समझ से बाहर हो रहे हैं और फंटर को उसमें हैवी लॉस जा रहा है। यहाँ पर राजस्थान रॉयल क्या कब जीतने वाली है मेरी नज़र के अंदर, मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार स्टैट दिखाने वाला हूँ। वो स्टैट क्या है, अगर आप ये देखें कि आज तक ऑरेंज कैप विनर्स जितने हुए हैं, क्या उनकी टीमें आईपीएल कब जीती हैं? मुझे लगता है कि बटलर के आगे अब कोई रन नहीं आने वाले। हार्दिक पांड्या बटलर के मेरा ख्याल पीछे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या कोई और भी बेशक हो, लेकिन उनके रन का गैप जो है बटलर के रन के गैप से वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑरेंज कैप होल्डर फिलहाल तो राजस्थान रॉयल के जॉश बटलर ही लग रहे हैं हमें। तो अगर जॉश बटलर ऑरेंज कैप होल्डर हैं तो क्या ऑरेंज कैप जो बैट्समैन राव है, क्या उसकी टीम कितनी दफ़ा आईपीएल जीती हुई है? इस स्टैट्स के ऊपर आते हैं। तो अगर स्टैट्स के ऊपर आए हम, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि 2008 से 2021 तक दो दफ़ा, एक दफ़ा केकेआर 2014 में जब जीता, जी हाँ, कलकत्ता नाइट राइडर 2014 में पंजाब के खिलाफ जीता चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर 3 विकेट से। एक ये रॉबिन उथापा टॉप स्कोरर थे 666 रन बनाकर, ठीक है, कलकत्ता का जीता 2014 में। दूसरा अगर हमें कोई मैच मिलता है पूरे आईपीएल में तो वो मिलता है ऋतुराज गायकवाड के रन और चेन्नई सुपर किंग आईपीएल विन, जी हाँ। तो ये दो जो हैं हमें मिलते हैं 2008 से अगर आईपीएल शुरू हुआ 2021 तक, सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है कि ऑरेंज कैप पहनने वाला जो है वो आईपीएल टाइटल जीत गया, वो कप जीत गया आईपीएल का। बाकी 80% ऐसा हुआ है कि जिसने ऑरेंज कैप पहनी है 80% वो टीम आईपीएल नहीं जीत पाई, वो टीम आईपीएल कप नहीं जीत पाई, ठीक है भाइयों। तो ये स्टैट याद रखिएगा, 20% ही ये स्टैट से राजस्थान रॉयल की फेवर में जाके गिरते हैं, और मेरी नज़र में चांसेस और कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल एक ऐसी टीम जिसका ओनर कुंद्रा के इतने स्कैम बार आने, एक ऐसी टीम जिसका पंजाब और राजस्थान का आज तक यही कहा जाता है कि ललित मोदी का इन टीमों में हाथ है, और काफ़ी कुछ दो नंबर चीज़ें जो हैं वो राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स के साथ हमेशा एक अटैच रही है। तो इन टीमों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बातें की हुई हैं, बहुत इन लोगों के फिक्सिंग के राज खुले हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर कि कैसे और क्या, और अभी रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं राजस्थान रॉयल पर, तो भाईजान 2 साल का बैन भी लगा था। तो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो बिना सबूत के नहीं है, वो इवन के करप्शन कमेटी ने भी उनको बैन किया, टीम ही बैन कर दी, ये नहीं कि प्लेयर बैन हुए, टीमें ही बैन हो गई चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल। दूसरी चीज़, राजस्थान रॉयल का अगर आप पूछे फेवर में क्या जाता है भाईजान, फेवर में अब यह जाता है कि मेरी नज़र में ये आईपीएल है स्पिन टू विन, जी हाँ, क्योंकि मुंबई इंडियन की गलतियां, चेन्नई सुपर किंग की गलतियां से, जो ये गलतियां मैंने आपको पहले पॉइंट आउट की थी आईपीएल से 15 दिन पहले, 26 मार्च से 15 दिन पहले, 14 अप्रैल को पहली वीडियो डाली थी मैंने लखनऊ सुपर जायंट की, और उसमें बताया था कि एक स्पिनर की क्या अहमियत हो सकती है, और मुंबई के पास स्पिनर नहीं है तो ये क्या स्ट्रेटेजी हुई, क्या सारी फास्ट बॉलिंग पिचेज हैं? लेकिन क्रिकेट कभी भी स्पिनर के बगैर अधूरी है। स्पिनर का आप एक स्पिनर का नाम लेता हूँ मैं आपको, इमरान ताहिर, मतलब उसका जोश आप देखें, वो ऐसे होता है कि जिस तरह वर्ल्ड कप का फाइनल के अंदर आखिरी गोल चाहिए था, आखिरी सेकंड था, इमरान ताहिर ने गोल कर दिया। स्पिनर का एक फन ही अलग है क्रिकेट के अंदर, तो उसको आप बाहर नहीं रख सकते। चहल पर्पल कैप होल्डर है, ठीक है, चहल पर्पल कैप होल्डर है। दूसरी तरफ अश्विन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन, बहुत कमाल की बॉलिंग, ठीक है, स्पिनिंग जो अटैक है वो राजस्थान के पास कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसके लिए आईपीएल जीतने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो लवाजमात चाहिए, वो मौजूद हैं राजस्थान रॉयल के पास। लेकिन एक बड़ा सेटबैक ये है कि खाली 20% ही आईपीएल टीम जीती है जिसके पास ऑरेंज कैप हुई है, जी। अब हम चलते हैं हमारी आज की आखिरी टीम की तरफ, और राजस्थान रॉयल की बात की, कप की बात की जाए तो अभी हमें 4 रुपये यहाँ पर नज़र आ रहा है।
अपनी आखिरी टीम की तरफ जाया जाए तो वो है आरसीबी। आरसीबी एक ऐसी टीम जिसके फैन और फॉलोअर्स हर साल आके मेरी वीडियो के नीचे ये ज़रूर लिखेंगे कि इस साल आरसीबी जीतेगा। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि कभी इन लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन कुछ टीमों को शराब होता है। मैं ये बात आज से नहीं समझा रहा, ज़माना गुजर गया ये बातें समझाते हैं कि कुछ टीमों को शराब होता है, बदवा होती है, जैसे कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कभी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं गई, इससे आगे नहीं जा सकी। फाइनल में गई तो फाइनल हार गई। आरसीबी गई है फाइनल में, दक्कन के खिलाफ गई थी, चैंपियन सुपर लीग में गई थी या आईपीएल 2 में गई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर गई थी। और 143 स्कोर था, एडम गिलक्रिस्ट कप्तान थे और दुनिया पागल थी आरसीबी का, क्रिस गेल ही चेस कर लेगा। और क्रिस गेल बड़ी फॉर्म में उस टाइम थे, यंग थे क्रिस गेल, लेकिन वो टारगेट 143 का चेज नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आरसीबी एक शराब ज़्यादा टीम है। विजय माल्या का जो हाल है और वो जो टीम का हाल करके गए हुए हैं, वो गंद ख़त्म करते करते मुझे लगता है टाइम लगेगा। ठीक है, फेफ डुप्लेसी एक बहुत ही उम्दा कप्तान है, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ब्रेंडन मैकेलम की तरह। जब तक ब्रेंडन मैकेलम जैसे लोग टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहते हैं, वो किसी की भी हो, अब माशाल्लाह से इंग्लैंड ने टेस्ट का जो कोच है वो ब्रेंडन मैकेलम को बनाने का सोच लिया, मतलब इंग्लैंड पर भी अजाब जो है वो ऊपर वाले की तरफ से अब आने वाला है। वैसे ही इंग्लैंड की कप्तानी कोई नहीं पकड़ आता, एंड में स्टोक्स को बिठा के समझाया गया कि हमारी इज्जत का सवाल है, और अब आगे से ब्रेंडन मैकेलम कोच आ गए हैं। तो जो मुझे पुराने फॉलोअर हैं वो जानते हैं, एक फेफ डुप्लेसी और एक ब्रेंडन मैकेलम। मुझे इन प्लेयरों से नफरत है क्योंकि बहुत ही गंदे जुबारी हैं, बहुत गंदे। क्रिकेट तबाह की साउथ अफ्रीका की। आपको याद होगा 2011 का ये वर्ल्ड कप में सिर्फ साउथ अफ्रीका की हार लगवाई थी मैंने आप लोगों से, उसकी वजह बांग्लादेश से भी मैंने कहा था अफ्रीका आएगा, जोन सी टीम आती थी मैं कहता अफ्रीका आ जाएगा। वजह क्या थी? फेफ डुप्लेसी, इसने डिविलियर का करियर ख़त्म कर दिया, इसने सारा करियर ख़त्म कर दिया। ये भी प्रोडिक्शन थी कि ग्रैम स्मिथ वापस आके पकड़ेगा, बाउचर वापस आके पकड़ेगा, अफ्रीका फिर रिवाइव करेगा, और अफ्रीका ने किया। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कि अगर अफ्रीका अभी तक कप नहीं जीता तो आरसीबी भी मुझे लगता है वो रिवायत कायम रखेगी कप ना जीतने की। बहुत उम्दा कप्तानी कर लेता है फेफ डुप्लेसी, ये हमने कई लीगों में देख चुके हैं। हाँ जी, अपनी बेशक अफ्रीका के कप्तान अच्छे नहीं रहे, लेकिन छोटी लीगों के अंदर, इवन के सीपीएल के अंदर हम देख चुके हैं फाइनल में चले जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो पीछे बैड पैच कोहली का जा रहा है, जो कोहली के आप ये कह लें कि एस्ट्रोलॉजी में बोलें तो कुंडली के अंदर रन नहीं लिखे हुए अभी कोहली की, वहाँ पे आरसीबी का जीतना विदाउट ए बिग स्पिनर इन देयर टीम वो थोड़ा अब मुश्किल है। लेकिन अभी भी रॉयल चैलेंज बेंगलोर आपको बड़े मज़े के भाव में मिल रहा है, राजस्थान से भी फेवरेट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माफिया जो देख रहा है कप के भाव के हिसाब से, वो रॉयल चैलेंज बेंगलोर को कहीं ना कहीं आगे देख रहा है। जी हाँ, वो आगे लेके जाना चाह रहा है, ये भाव रॉयल चैलेंज बेंगलोर का नहीं बनता था। यहाँ पर रॉयल चैलेंज बेंगलोर इतना फेवरेट रखना मतलब कि आरसीबी को आगे लेके जाना ही जाना है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये समझ आ रहा है भाव देखते ही। दूसरी चीज़ ये है कि भाई फिर भी मुझे भाव बेशक ये है, अगर आरसीबी क्वालिफायर चला जाता है ठीक है, क्योंकि अभी गुजरात टाइटन्स सिर्फ वही टीम है जो क्वालिफाई कर गई भी है कल के मैच के बाद, तो अगर आरसीबी क्वालिफाई कर जाता है तो फिर अगर आप कहते हैं फाइनल कप उठाए, तो मैं अपनी उसी प्रेडिक्शन पे रहूँगा कि शराब जिन टीमों पर होता है वो कभी कप नहीं जीत पाती, तो आरसीबी मेरी नज़र में कप नहीं जीतेगी। तीन टीमों के बारे में हमने बात की इस वीडियो के अंदर, अगली भी तीन टीमें आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। अगर इस वीडियो पे आज रात ही 1000 लाइक आ गए तो आज रात ही पोस्ट कर दूंगा आप लोगों को अगली तीन टीमों की वीडियो। ठीक हो गया भैया? केकेआर डाउन एंड आउट, वजह भी बता दी मैंने आपको कि मार्केट लोड भरपूर केकेआर पे पैसा लगा, कब पे इतना लोड है, इतना पैसा केकेआर पे लगा हुआ है कि आप ये बातें मैं आपको दो हफ्ते पहले भी बता सकता था जब केकेआर के पास अभी बड़े मैच खेले थे। तो केकेआर के ऊपर मार्केट लोड जो है वो बहुत भयानक किस्म का बैठा हुआ, जिसने केकेआर की कमर तोड़ दी इस साल के लिए। पिछले साल केकेआर फाइनल में बोला था आपको सीएसके के साथ
चेन्नई सुपर किंग के साथ, तो इस साल वैसे ही भाव आपको नज़र आ रहा है 12 है, तो ज़्यादा बात क्या की जाए। फिर राजस्थान रॉयल की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल के पास वो मिक्सचर ज़रूर है जिससे कप जीता जा सकता है, तो राजस्थान रॉयल कहीं ना कहीं अभी भी फंस में इसलिए रहा हूँ क्योंकि कहीं मुझे डर लग रहा है कि मार्केट लोड राजस्थान रॉयल पे अगर बैठ गया ना तो फैंस बड़ा नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल जैसी टीम को हर कोई कप जीतना देखना चाहता है। जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, हर किस्म का मज़ा, अगर आप सारी टीमों में से टीम उठा के देखें, दो टीमों ने हमें आईपीएल में बड़ा मज़ा दिया, एक राजस्थान रॉयल और एक लखनऊ सुपर जायंट। जी हाँ, दिया तो गुजरात टाइटन ने भी बड़ा मज़ा है, लेकिन इन टीमों ने जो हमें खेल दिया है ऑन द फील्ड वो आईपीएल को हिट कर गया। फिर आरसीबी की बात की जाए, शराब है टीम के ऊपर, कोहली की वैसे किस्मत में रन नहीं लिखे हुए, फेफ डुप्लेसी कितना को लड़ लेंगे, फेफ डुप्लेसी की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही, हालांकि कुछ इनिंग बड़ी खेलकर पाँचवें आठवें नंबर के बीच के अंदर ही उनके मतलब ऑरेंज कैप होल्डर्स की रेस के अंदर ठहरते हैं। तो ये थी भाइयों हमारी वीडियो। जाते जाते किसी भी भाई को अभी भी कप विनर लगाना हो, ऑनलाइन साइट चाहिए हो, बुकी कटिंग नहीं देता कप की, तो यहाँ पर अगर आपने 20,000 रुपया कप लगा दिया यहाँ पे मतलब के रॉयल चैलेंज बेंगलोर, अब ये मत समझ लेना कि मैं रॉयल चैलेंज बेंगलोर कप लगा रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऑनलाइन बेटिंग साइट के ऊपर कैसे कप खेला जाता है। ये मैंने 3.60 रुपये में 20,000 आरसीबी लगा रहा हूँ अगर, तो मुझे 72,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर और कोई टीम जीतती है तो मैं 20,000 माइनस होता हूँ। अब होता क्या है कि आरसीबी जो है वो मैच जीतता जीता, जैसे मैंने आपको कहा कि भाव बता रहा आरसीबी अंदर घुस सकता है, तो अगर आप यहाँ पर आरसीबी का कप लगाते हैं और आरसीबी मैच जीत के अंदर क्वालिफायर में घुसता है, तो वहाँ पर आप अपनी हार जो है वो कम कर सकते हैं और सिर्फ प्रॉफिट रख सकते हैं। या फिर आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको खाने का भी भाव मिल रहा है, आप यहाँ पर कहीं पर भी आप खा सकते हैं कप को, अपनी हार ख़त्म कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं बिल्कुल, या आरसीबी थोड़ा और खा के बाकी सारी टीमों पे जीत बना सकते हैं और आरसीबी पे थोड़ी सी आप हार छोड़ सकते हैं। तो ये है भाई कप की स्ट्रेटजी ऑनलाइन खेलने की। ऑफलाइन आपने जो कप लगा लिया, आपका बुकी तब तक आपको कटिंग का भाव नहीं देगा जब तक आईपीएल का फाइनल जो होगा वो सर पर नहीं खड़ा होगा, वो मना ही करता रहेगा आपको। तो यहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने एक टीम कप लगाई भी है तो उसके ऊपर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लॉस कट भी कर सकते हैं, बुक भी सेट कर सकते हैं। आईडी जिसको भी चाहिए वो मेरे से व्हाट्सएप पे आके मिल सकता है, रब्ता कर सकता है, और नंबर आप लोगों को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली 3 वीडियो अगर आज रात ही चाहिए तो 1,000 लाइक तक आज रात तक वीडियो को पहुँचाएँ। खुदा हाफिज़।